Okay, let's start. So, streaming perfect. चलो शुरू करते हैं. और मैं गायब होता हूँ. गायब हो जा भाई. ओके हाँ, तो हम इंक्लाइन प्लेन पे थे. ये सारे क्वेश्चन हमने किए थे. अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं. न्यूटन्स सेकेंड लॉ को हम ले आते हैं. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ एक तो मोमेंटम के फॉर्म में है. तो मोमेंटम के फॉर्म में न्यूटन सेकेंड लॉ हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. अभी सिंपल सा फॉर्म ले लो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है और कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगर वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो हम लगाएंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्चुअल में ये लॉ मोमेंटम के फॉर्म में है. तो मोमेंटम वगैरह क्या होता है, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोमेंटम का एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ जाएगा, उसके कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन है, वो अलग डिस्कस करेंगे. अभी ये फॉर्म ले लेते हैं. एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि ए एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन डीटी. ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये लगाएंगे डीवी अपॉन डीटी. ठीक है, एक्सेलरेशन हमें पता है डीवी अपॉन डीटी. तो जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कब चेंज होगी, इफ वेलोसिटी जीरो नहीं है, अगर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब वेलोसिटी चेंज होगी. वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, मूव कर रहा है, रेस्ट से मोशन में आ रहा है, यानी रेस्ट की कंडीशन नहीं लगाएंगे. और दूसरा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट. तो ये दो केसेस में एफ इज इक्वल टू एम ए लगता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो सीधे हम लोग सवालों पे शुरू करते हैं. वही रूल है जो हमने स्टार्टिंग में रूल देखे थे, फ्री बॉडी बनाओ, है ना, और रिजॉल्व करो, कंडीशन अप्लाई करो. अब कंडीशन एक्सेलरेटेड मोशन की हो जाएंगी बस. तो शुरू करते हैं फिर, इसमें कुछ भी खास नहीं है. एक सरफेस ले लो, एज यूजुअल एक सरफेस ले लेंगे अपनी पुरानी, है ना, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले ली. अब कैसी भी सरफेस, बस एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और आ जाएगा. ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और है. तो उसी, तो ये एक सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक रख देंगे. तो ब्लॉक भी रख दो, ब्लॉक बना लेते हैं, सरफेस पे एक ब्लॉक रख दो. ठीक है, ब्लॉक का जिस कलर का चाहिए उस कलर का ब्लॉक ले लो. पिंक कलर ज्यादा पसंद है तो पिंक कलर का ब्लॉक ले लिया जाए. ठीक है, पिंक में. ओके, तो पहले इसी के साथ थोड़ा खेल करते हैं. एक मिनट आ जाओ भाई, नहीं आने को तैयार है. ओके, तो ये मैंने सरफेस पे डाल दिया. ठीक है, और इसको गायब कर दिया. कमांड एक्स. ओके, अच्छा अब क्या करें. तो अब इसको एक्सेलरेट कराएं. ये सरफेस स्मूथ है, सरफेस इज स्मूथ, स्मूथ सरफेस है, रफ नहीं है, स्मूथ सरफेस है. और इस पर किसी ने फोर्स लगा दिया,
मान लो इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया किसी ने और बैकवर्ड डायरेक्शन से किसी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब इसमें अभी तक जो सवाल किए थे और अब इस एग्जांपल में जो डिफरेंस है वो ये है कि अब ये एक्सेलरेट करेगा। अब एक्सेलरेट किधर करेगा? एक तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉक सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो इस चीज को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट, है ना, कंस्ट्रेंट मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने के लिए कंस्ट्रेंट है। मतलब ये किसी इधर इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली ही होगा, या तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। ऑब्वियसली 20 न्यूटन ज्यादा है इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, 20 न्यूटन ज्यादा है इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। बाकी सब पहले की तरह होगा, ये सरफेस इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ प्रेस करेगी एंड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। बहुत आसान सवाल है, फिर भी हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, अपना सिस्टम नहीं छोड़ेंगे। और ये ब्लॉक इस सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस करेगा और जो अभी तक हमने सिस्टम अच्छी तरह से डिस्कस किया है उसी को हम फॉलो करेंगे। इसका फ्री बॉडी बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी बना दो। तो चलो इसका फ्री बॉडी बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं इसका फ्री बॉडी, यहाँ पर ऐसे। अच्छा, कभी कभी इस तरह के सवालों में, अच्छा वेट मैंने दिखाया नहीं है, वेट भी लगेगा इसका, वेट होगा, बिना वेट की कोई चीज नहीं होगी। तो वर्टिकली तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है, वेट। अच्छा, इसका मास तो मैंने दिया नहीं, मान लो इसका जो मास है वो है 5 kg का ब्लॉक, ठीक है। तो इसका वेट जो है 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें कुछ, देखो ये अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, तो वर्टिकली तो ये रेस्ट में है, वर्टिकली तो मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स को इफेक्ट नहीं करते, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो फोर्स होते हैं वो वर्टिकल फोर्स को इफेक्ट नहीं करते। तो अक्सर सवालों में ये वर्टिकल फोर्स दिखाते ही नहीं है, कि हमें पता है कि ये चीज ये वाई डायरेक्शन में ये चीज रेस्ट में है। अच्छा, एक चीज और है, एक्सेलरेशन जब भी हो तो एक और रूल है कि जो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस जो भी है, एक एक्सिस तुम्हें एक्सेलरेशन के अलोंग चूज करना होगा, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन करते करते चूज वन एक्सिस अलोंग द एक्सेलरेशन इधर एक्स और वाई, तो ये इसको हम नोट कर लेते हैं, चूज वन एक्सिस, क्योंकि हमें एक्सिस चूज करना पड़ता है, तो टेक वन एक्सिस अलोंग, टेक वन एक्सिस, एनी वन एक्सिस, कोई भी एक्सिस, एक्स या वाई, एनी वन एक्सिस, एक्सिस अलोंग एक्सेलरेशन, अलोंग एक्सेलरेशन, कोई भी एक एक्सिस एक्सेलरेशन के अलोंग लेना है, चाहे तो एक्स एक्सिस ले लो चाहे वाई एक्सिस ले लो। अब इसमें वाई एक्सिस के अलावा हमें कुछ नहीं, फ्री बॉडी मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी, एक्चुअली में वाई एक्सिस के अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अब थोड़े बहुत नियम में ऐसा हुआ, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सिग्मा एफ वाई अगर जीरो है तो इसका मतलब एन की वैल्यू 50 न्यूटन हो जाएगी। तो इसमें क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है तो इसको ऐसे करके रख दें, एन की वैल्यू में कोई दिमाग नहीं। अब एक्सेलरेशन निकालना है, फ्री बॉडी कंप्लीट नहीं है, तो अभी फ्री बॉडी इसको कंप्लीट करो, 20 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस पे, 20 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और 10 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्री बॉडी हमने बना लिया इसका और ये एक्सेलरेट इधर करेगा, इधर एक्सेलरेट करेगा। तो हम फॉर्मूला अब लगाएंगे, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग रेस्ट पे नहीं है,
x के along, I hope समझ में आ रहा होगा, x के along ये rest पे नहीं है, x के along accelerate कर रहा है, तो accelerate है तो m into a लगाएंगे। अब तुम्हें पता है कि mass scalar quantity, a vector है, तो ये formula एक तो vector form में लगेगा, ठीक है। इसमें एक छोटा सा rule होता है कि acceleration की direction में positive ले लो, तो a positive आएगा, तो acceleration की तरफ positive ले लो, उसके opposite negative ले लो, अगर पीछे accelerate करे तो पीछे positive ले लो, ठीक है। हाँ तो आसान सा सवाल है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, फिर ये आगे वाला प्लस हो जाएगा बैकवर्ड वाला, हाँ वेरी गुड, तो प्लस 20 ये हो जाएगा 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, ठीक है, माइनस 10 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 5, और एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव होगा, इससे फायदा होगा, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, हाँ वेरी गुड, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 meter per second square, ठीक है, 2 meter per second square। चलो आई होप कि सबको समझ में आया हो, ठीक है, अच्छा ओके नाउ, तो ये तो सबसे आसान केस था, मतलब थोड़ा सा बहुत आसान केस था, मगर इसमें बेसिक समझा दिया, अब मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगा इसमें, आई होप सबको समझ में आया, किसी को डाउट नहीं होगी इसमें, है ना, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अब इसमें थोड़ा खेल करते हैं, इसमें कुछ भी खेल कर सकते हैं, अभी फिजिक्स तो खेलने के लिए होता है। अब मैंने क्या किया, अब देखो सारे रूल्स वैसे ही लगेंगे, सब वैसे ही सब करोगे, मैं फोर्स अब एंगल पे लगा देता हूँ, सब कुछ वही है, फोर्स एंगल पे लगाऊंगा, तो एक फोर्स मैंने एंगल पे लगा दिया, अब सब कहानी बदल जाएगी, वही 20 न्यूटन का फोर्स, वही 20 न्यूटन का फोर्स हमने एंगल पे लगा दिया, और तुम्हें ये तो गैस हो ही गया होगा मैं एंगल कितना लूंगा, 37 degree, तो 37 डिग्री के एंगल पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा पीछे से 10 न्यूटन तो लग ही रहा था, इसको मैंने चेंज, बस उसी फोर्स को एंगल पे कर दिया, बाकी सब वही है, मास भी वही है 5 kg, एम बी 5 kg ले लेना, एम बी 5 kg है। नाउ अब दो क्वेश्चन फाइंड करने हैं, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, ठीक है, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। जो बच्चे समझदार हैं वो यहां पर वीडियो को पॉज कर देंगे और अपने आप ट्राई करेंगे, जिन बच्चों को मतलब अब तक समझ में आ गया होगा मैं क्या करता हूँ, क्योंकि खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, नहीं ट्राई करोगे मेरा देखोगे तो उतना नहीं सीखोगे, तब भी थोड़ा बहुत सीखोगे, मगर जो एकदम समझदार है वो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लें। यूट्यूब का ये थोड़े से देखो कुछ फ़ायदे यूट्यूब के हैं, वीडियो को हम पॉज कर सकते हैं कहीं पर और जल्दी से आगे आ सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा, ये कहीं और फ़ायदा नहीं मिलता है। इवन अगर गूगल मीट पर हम रिकॉर्ड भी करें तो ये फ़ायदा नहीं मिल पाता है, तो ये इसीलिए मैं यूट्यूब को छोड़ने का मन नहीं करता मेरा। तो पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप करो, और मैं तब तक मंथर गति से इसको सॉल्व करता रहता हूं, उन बच्चों के लिए जिनका सॉल्व करने का मन नहीं है, ठीक है, उन बच्चों के लिए, बाकी लोग देखो सब कुछ स्मूथ है, तो व्हाट्सएप पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चेक करना है, फ्री बॉडी ढंग से बनाना, फ्री बॉडी का सब खेल है, सारा खेल ही फ्री बॉडी का है, तो उसको ढंग से बनाना, और ठीक है, और जैसे ही तुम सॉल्व कर लोगे फ्री मेरे पास आएगा, आई विल शो इट, तो हाँ दूसरा डेस्कटॉप तैयार है मेरे पास, चलो बाकी लोग देखो, ठीक है बाकी लोग देखो, एक मिनट रुक जाओ, तो ठीक है कुछ भी नहीं है, पहला काम रेजोल्यूशन चाहे तो यहां पर कर लो, चाहे एक तो पक्का है कि ये जो ब्लॉक है ये फॉरवर्ड ही इधर अगर ऐसे लगाओगे तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा, ये चीज को कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट कहते हैं, कंस्ट्रेंट एक वर्ड यूज करते हैं कंस्ट्रेंट, तो ये कंस्ट्रेंट जो है, कंस्ट्रेंट का मतलब हिंदी मतलब होता है बाध्य, तो ये जो है बाध्य, बाध्य मतलब इट इज, ये इसी सरफेस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन इसका इधर ही होगा, किसी और तरफ नहीं हो सकता, इधर मतलब ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि एक्सेलरेशन किधर होगा,
किधर होगा एक्सेलरेशन वो देखना पड़ता है, तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा, तो एक एक्सिस हमने एक्सेलरेशन के अलोंग ही लेना है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम एक्सेलरेशन के अलोंग लेंगे, तो यहाँ पे तो सिंपल केस है, कोई दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है, तो ये हो गया, तो एक्सेलरेशन इधर होगा, तो इससे हमने ये, अब जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर कभी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। एक ट्रिक यहाँ पे देता हूँ, एक्सेलरेशन के पर ऐसा हम क्यों करते हैं, इससे फायदा क्यों होता है, एक एक्सिस हमें एक्सेलरेशन के अलोंग लेना है, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, एक्स एक्सिस किधर लेना है, हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस वर्टिकल लेना है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हमेशा नेट फोर्स वेक्टर सम ऑफ फोर्स जीरो होगा, ठीक है, इसलिए एक एक्सिस हम एक्सेलरेशन के अलोंग लेंगे, उस दूसरा एक्सिस उसके परपेंडिकुलर लेंगे। चलो रिजोल्यूशन अगर तुम्हें यहां पर पसंद हो तो यहीं पे कर लो, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो, ठीक है, जो लोग अपना कर रहे हैं वो करते रहे। तो एरो का ध्यान रखना, एरो इधर ही होगा, ये सबके एरो एक साथ होंगे, तो 20 का जो cos 30 लोगे, 20 cos 37, cos 37 आज भी 4/5 ही है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है, cos 37 पहले की तरह 4/5 ही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 4×16 न्यूटन, तो ऐसे उल्टा लिख दे रहा हूँ, हालांकि लिखना नहीं चाहिए और फिर भी सब चलता है, 16 न्यूटन, तो 20, हाँ तो इसको मैं मिटा के ही 16 लिख देता हूँ, गंदगी हो रही है, तो 16 न्यूटन लिख देता हूँ, आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, 16 न्यूटन, ठीक है, बाकी जो ट्राई कर रहे हैं वो कर। इसका दूसरा कंपोनेंट भी हो, देखो सबसे पहला काम होता है कंपोनेंट कर लो तो काम आसान हो जाता है, और यहाँ पर कंपोनेंट दिखाना आसान है, थोड़ा सा अलग से भी कंपोनेंट बना के दिखा सकते हो, मगर ये थोड़ा आसान पड़ता है, तो ये 20 sin 37 क्या हो जाएगा, 3/5, 20 sin 37 कितना हो जाएगा, 3/5, तो 20 × 3/5 कितना हो गया, 12 न्यूटन, तो इसको जो है इसको हम लिख सकते हैं 12 न्यूटन, मिटा के 12 न्यूटन लिख दे, ये गंदा लग रहा है, तो इसको हम 12 न्यूटन लिख देते हैं, तो अब 20 न्यूटन का कोई काम नहीं है, अब 20 न्यूटन का कोई काम नहीं है, ठीक है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर तुम्हें समझाने के लिए मैं कर रहा हूं कि इसका अब कोई काम नहीं है, है ना, तो कंफ्यूज ना होना, तो अब मैंने 20 न्यूटन की जगह 20 न्यूटन का 37 डिग्री का एंगल का मतलब है कि 12 न्यूटन नीचे लग रहा है और 16 न्यूटन आगे लग रहा है, तो रिकॉर्ड हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, पीछे जाके देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, किसको ऐसे किया, तो ऐसे, तो इसका मतलब एक फोर्स 16 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है और 12 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, अब ये काम आसान हो गया। अब हमें फ्री बॉडी ड्रॉ करना बहुत आसान है, तुम लोग जो है बिना फ्री बॉडी के कुछ मत करना, फ्री बॉडी ड्रॉ करना आसान है, तो करते हैं ड्रॉ फ्री बॉडी यहाँ पे बगल में इसका, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जी हाँ 16 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, 16 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, न्यूटन ही लिख दिया मैंने, 16 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, 16 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, 10 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, 10 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, इसका वेट तो वर्क करेगा ही हमेशा, वो तो हमेशा नीचे की तरफ वर्क करता है, ठीक है, वेट, मगर वेट के साथ एक और फोर्स भी वर्क करेगा, ठीक है, तो वेट इसका हो जाएगा 50 न्यूटन प्लस वाइट कलर से 12 न्यूटन भी तो वर्क करेगा नीचे की तरफ, तो इसी में मैं चेप देता हूँ इसको, 50 + 12 न्यूटन, ठीक है, तो ये आ जाएगा, आई होप ये समझ में आ रहा होगा इतनी प्रैक्टिस के बाद। इस पर नॉर्मल रिएक्शन इस बार मैंने नहीं दिखाया, मगर बेसिक ये होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगी एन फोर्स से, ठीक है, एन फोर्स से, और जो ब्लॉक की सरफेस है ग्राउंड को नीचे की तरफ प्रेस करेगी एन फोर्स से, मतलब आज भी अभी भी एन इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, तो हो गए सवाल सॉल्व। इसमें हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये मैं इसके ऊपर ए क्यू बता रहा हूँ, कहीं भी दिखा दो ए, कटा कटा सा लग रहा है, तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, हाँ
तो n की वैल्यू यानी सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। एसेलेरेशन के परपेंडिकुलर हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, एसेलेरेशन के परपेंडिकुलर हमेशा इक्विलिब्रियम होगा। तो हरे रंग से सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब n की वैल्यू जो है वो एज यूजुअल 72 न्यूटन आ जाएगी, नहीं 72 नहीं 62 न्यूटन आ जाएगी। और x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेटेड मोशन है तो ऑब्वियसली 16 पॉजिटिव हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन की तरफ है वो पॉजिटिव हो जाएगा और अपोजिट वाला नेगेटिव, तो 16। अब इसमें आंसर कमेंट करना ये जो है शोभा नहीं देता, इसमें पूरा सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजो तो मजा भी आए, ठीक है। इसके बाद तो कोई भी निकाल सकता है, फ्री बॉडी बन जाए तो फिर तो कोई भी कर सकता है, फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। 16 में से 10 गया 6 और 5, ठीक है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर इज नॉट बिग इशू। आफ्टर फ्री बॉडी कोई भी चीज बड़ी चीज नहीं है इसमें। चलो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। भेजा किसी ने व्हाट्सएप पे? नहीं, एक मिनट, व्हाट्सएप है कहाँ, व्हाट्सएप ही खो गया मेरा, एक सेकंड, भेजा किसी ने व्हाट्सएप पे, चेक करता हूँ, व्हाट्सएप ही कनेक्टेड नहीं है, बताओ मेरा फोन ही कनेक्टेड नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, फोन ही का माशाल्लाह फोन का ही मैंने नेटवर्क बंद कर रखा है तो कैसे आएगा मेरे पास, वेट अ सेकंड। चलो अब फोन किया कनेक्ट मैंने, हाँ अब फोन किया कनेक्ट, हाँ काफी लोग आ चुका था, चलो देखूंगा तो मैं बादी में, तो खैर ले लेता हूँ, देखता हूँ किसने क्या किया है, किसने क्या किया है देखता हूँ, अभी पता लग जाएगा किसने क्या किया है। चलो देखता हूँ, ग्रुप में ही भेजना भैया, ये तो तुम्हें रूल पता ही है। अच्छा अगली क्लास के बच्चों के सवाल ही आगे कैथोड रे, लक्ष्य 11, लक्ष्य 11। बहुत लोगों के आ गए, वेरी गुड, आने दो, आने दे। कोई मुझे फोन कर रहा है, ये चलती क्लास में कौन फोन करता मुझे, ये कोई बच्चा फोन कर रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। हेलो, हाँ, कौन सी क्लास में, अच्छा कौन सी क्लास में, सेवेंथ क्लास में, तो एक काम करो ना, मुझे 6:45 पे फोन करो, मेरी क्लास चल रही है अभी, हाँ 6:45 पे फोन करो, या मैं फोन कर लूंगा 6:45 पे, ओके चलो। ये हो गया, ये तो अति सुंदर है, ऋषभ का अति सुंदर डायग्राम। फ्री बॉडी कंप्लीट नहीं है शायद, कंपोनेंट तो दिखाया है, कुछ गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ है, देख तुम समझ सकते हो, ये इसमें ये परफेक्ट है मेरे ख्याल से, ये परफेक्ट है, हाँ ये परफेक्ट है, देखो ऋषभ ने इतना साफ साफ किया मगर गड़बड़ है, सारे फोर्स नहीं दिखाए, तो शायद आंसर भी कुछ गड़बड़ आया है। देखो ऋषभ का तुम लोग देख लो, अगर तुम्हारी फ्री बॉडी में गड़बड़ होगी तो आगे सही होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, चाहे जितना भी तुम कुछ कर लो, ठीक है। उसके बाद ये है राम लखन, परफेक्ट एकदम, इतना साफ साफ नहीं है मगर एकदम परफेक्ट है, वेरी परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे चलेगा, मतलब सही होना चाहिए। फिर ये भी परफेक्ट है, हर्ष ने भी परफेक्ट तरीके से किया है ना, ये रेजोल्यूशन सही है, ये बात तो बहुत अच्छी है, रेजोल्यूशन में सही किया है, मगर अब थोड़ा सा गंदा लगता है, हैबिट पड़ गई ना, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें पता है, वैसे दिखा दोगे कोई दोष नहीं है, मगर इसको उधर दिखाओगे तो दिखने में अच्छा लगता है, अब हम लोग हैबिचुअल हो गए ना, ये पता नहीं क्या है, फ्री बॉडी पूरा नहीं आया, बस इतने ही आए, चलो ओके, कई लोगों ने अटेम्प्ट किया, इतने हैं बहुत, हाँ इतने ही देखे हैं, चलो है ना, आई होप कि मैंने सभी के देख लिए। चलो मैं वापस आ जाता हूँ, क्या भैया क्या है यार, नाउ लेट्स कम, एक बार चलो हो गया, तो देख भी लिया मैंने सबका है ना, और अभी और भी आ रहे हैं, चलो पहले भेजा करो, अभी और भी आ रहे हैं, ऋषभ के बाद भी किसी का है, ये तो सही था, ये देख लिया,
और क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे? बस क्रिश का है, ठीक ही है, सही है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। 16 न्यूटन आ गया, हाँ ठीक है 16 न्यूटन आ गई है, ओके चलो एकदम सही है। अब क्या करूं? कभी कभी हम एक्चुअली में जब वर्टिकल फोर्स वेट के बराबर होता है तो कभी कभी हम लोग वर्टिकल फोर्सेस के बारे में बात नहीं करते हैं, मगर वर्टिकल फोर्स लगते हैं, रिएक्शन हॉरिजॉन्टल भी लगता है, चलो बाद में देखूंगा, है ना, तो थोड़ा पहले भेजा करो ना। अब इसमें अब और करते हैं थोड़ा सा काम, कुछ और करते हैं, अब एक ब्लॉक और रखते हैं, एक ब्लॉक और रखते हैं, तो चलो एक ब्लॉक और रखा जाए अलग कलर का, एक ब्लॉक और रखा जाए, एक ब्लॉक से अब हो गए हैं बोर, तो एक ब्लॉक और रखा जाए, ठीक है, ये थोड़ा इससे बड़ा ब्लॉक है, डबल बड़ा लग रहा है, इसको पहले तो मैं इसमें रंग डालूंगा, रंग भरो और फिर इसको खिसका लेता हूं इधर, आ जाओ तुम इधर, इसके बगल में बैठ जाओ, ये इसके कांटेक्ट में है, ठीक है, तो अब हमारे पास ब्लॉक हो गए दो, अब हमारे पास ब्लॉक हो गए दो, ठीक है, अब हम जो है किधर से भी फोर्स लगा सकते हैं, इधर उधर से, फिलहाल मैं इधर से फोर्स लगाता हूं, इधर से इस तरफ फोर्स लगाता हूं, और इस फोर्स की वैल्यू है मान लो 100 न्यूटन लगाता हूं, चलो 100 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, और ये तो 5 किलो था ही पहला वाला, ये 10 किलो ले लो, तो ये 5 केजी का ब्लॉक है, और ये पीला वाला 10 केजी का ब्लॉक है, अच्छा ये सरफेस अभी भी स्मूथ है, जब तक मैं बोलू ना तो रफ सरफेस मत लेना, है ना, सरफेस अभी भी स्मूथ है, ये सब एग्जांपल आ रहा है, तुम ट्राई कर सकते हो उनको, तो सरफेस अभी भी स्मूथ है, सरफेस स्मूथ, ऑब्वियसली ये पीछे की तरफ ही एक्सेलरेट करेगा, इसमें तो किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए, अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो पीछे की तरफ ही करेगा, और इसके परपेंडिकुलर ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये रेस्ट में रहेगा। अभी यहां पर वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन तो कभी कभी क्या करते हैं, देखो वर्टिकली तो हमें पता है एन 5G को बैलेंस करेगा, ये बाद में देखूंगा आप, और ये वर्टिकली एन 10G को बैलेंस करेगा, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि वर्टिकल क्योंकि बैलेंस ही करना है तो वर्टिकल के फोर्स दिखाते ही नहीं है, मतलब वर्टिकल के फोर्स दिखाना तो चाहिए मगर नहीं दिखाते, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक कॉन्टेक्ट सर्फेस और आ गई है, तो अब देखो ध्यान से, अब हमें निकालना क्या है कि वर्टिकली अगर पूछा नहीं तो वर्टिकल तुम्हें पता है, वर्टिकल बना लोगे, वो बाद में भी कर सकते हो, फिलहाल मैं सवाल पूरा कर देता हूं, सवाल पूरा कर देता हूं, फिर तुम करते रहो जिसको सवाल करना है, इस एग्जांपल में करना क्या है, इस एग्जांपल में ठीक है, पहला इसका एसोलेशन फाइंड करना है, ए की वैल्यू कितनी होगी, और इसमें वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन मैंने पूछा नहीं है, एक्चुअली में 10 केजी 5 केजी को आगे की तरफ प्रेस करेगा, ध्यान से देखना, ठीक है, इसको मैंने आर नाम दिया, आर 10 केजी 5 केजी को आगे की तरफ प्रेस करेगा, इसका रिएक्शन यानी 10 केजी पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखना, दोनों के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, ये 5 केजी पे आगे की तरफ लग रहा है और इधर वाला जो फोर्स है वो 10 केजी पे देखने की कोशिश करो पीछे की तरफ लग रहा है, हालांकि ग्रीन कलर ले लिया मगर फिर भी ट्राई टू, है ना, अब दोनों एक ही कलर लेना था इसलिए, या मैं ब्लू से भी दिखा सकता हूँ, ब्लू दोनों में दिखेगा, चलो ये आर ऐसे लगेगा इस पे, ठीक है, और इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में आर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आर लगेगा, अब मोटा मोटा बढ़िया बढ़िया दिखाई दे रहा है, चलो तो ये सवाल हो गया, निकालना क्या है, एसोलेशन फाइंड करना है और आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, सवाल हो गया कंप्लीट, जिसको करना है शुरू कर सकता है, ठीक है,
मेरी तरफ से अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो मेरे पास टाइम कितना है, जितने टाइम में मैं इसको सॉल्व करता हूँ. ऑब्वियसली मैं बहुत धीरे धीरे समझाते समझाते सॉल्व करता हूँ. तो तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो. ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा है. ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन. ठीक है, बाकी जो लोग फिर वीडियो पॉज नहीं कर रहे हैं, सीधा देखना चाहते हैं, तो शुरू करता हूं मैं. तो यहां पर अक्सर 5 kg का जब हम फ्री बॉडी बनाते हैं, क्योंकि वर्टिकल फोर्स हमने इसने पूछे नहीं है, और अब तो मैं पता लग गया होगा कि इस पर जो है n अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, 5g डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, और n की वैल्यू 5g के बराबर होगी. तो वो दिखाना लॉजिकली तो पूरा दिखाना तो दिखाना चाहिए, है ना. हाँ, वो भी ले सकते हैं, मगर अभी अभी फिलहाल नील पटेल कमेंट कितनी देर में आ रहा है, पुराना कमेंट है कि नया कमेंट है. नेट फोर्स इज इक्वल टू 20 - 10, ये तो पुराना कमेंट है, मैंने पढ़ा ही नहीं कमेंट. हाँ, ले लिया, पहले ही ले लिया. हाँ, पल्लवी शर्मा का कमेंट है, निक पल्लवी शर्मा. हाँ, तो पल्लवी का कमेंट ये है कि आर मतलब वर्टिकल सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, एन से भी, इसको अगर तुम्हें तकलीफ हो रही तो एन से रिप्रेजेंट कर दूंगा, मगर एन से एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो ऑरेंज सरफेस है इसको नीचे की तरफ दबाती है, और ग्रीन वाली सरफेस जो है वो इसको ऊपर की तरफ दबाएगी, तो उसको नॉर्मल रिएक्शन है. यहां पर वर्टिकल सरफेस का भी नॉर्मल रिएक्शन है. ये देखो, येलो वाले ब्लॉक की जो वर्टिकल सरफेस है इसको आगे की तरफ दबाएगी, और ऑरेंज वाले ब्लॉक की वर्टिकल सरफेस इसको पीछे की तरफ दबाएगी. तो आर का ये मतलब हुआ, आर मतलब वर्टिकल सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन. ये भी नॉर्मल रिएक्शन है ना, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आर लगेगा. तो वर्टिकली हम लोग अक्सर एन से दिखाते हैं, तो इसको आर से दिखा दिया. आर मतलब एन, एन यहां पर वर्टिकल सरफेस का, क्योंकि एन हमने ऐसे यूज करना था, तो इसको एन भी लिखोगे तब भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मास 10 या 15 लेना है, मास इसका 5 लेना है, इसका 10 लेना है, इन दोनों का 15 लेना है, वो तुम्हारी मर्जी. तुम क्या लेते हो, तुम 5 किलो लेते हो, तुम कौन सा ब्लॉक लेते हो. ठीक है, ऐसा कोई रट के मत करो, मैं तुम्हें वो रटंती विद्या रटंती नहीं कर रहा था. 5 ले लो, जब 5 kg को लो तो 5 ले लो, 10 kg को लो 10 ले लो. ठीक है, किसी को फ्री बॉडी ले लो. तुम यहां पे ध्यान से अगर मतलब फिजिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर केस को रटने की कोशिश ना करो, जो कि थोड़ा सा नीट वालों की हैबिट होती है, जेई वालों की, जेई में हैबिट नहीं होती है. नीट वाले क्या होते हैं, रटने में एक्सपर्ट होते हैं, तो उस केस का आंसर रट लेते हैं. अक्सर जो नीट की किताबें हैं, नीट की गाइडें होती हैं, उसमें इस ऐसे क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन दिया होता है, मतलब नीट की गाइड में कैसे दिया होता है कि इसका मास, जो कि एकदम गलत चीज है, ऐसी दिया नहीं होना चाहिए, ऐसा करने से गलत है, फिजिक्स के लिए बहुत गलत है. वो इसका मास m1 इसका देते हैं, m2 देते हैं, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2. ये बहुत ही गलत है, मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट बता देते हैं, और कई टीचर जो होंगे एक लाइन में इसको करके दिखा देंगे. कई टीचर अभी आएंगे, अब जो है, अब मैंने बच्चों को पढ़ा पढ़ा के समझदार बना दिया है, मगर कई जो समझदार बच्चे नहीं होते हैं वो उन टीचरों की बात में आके बहुत बेवकूफ बन जाते हैं. क्योंकि अक्सर टीचर ये बोलेंगे कि अरे इतना लंबा क्या, इतना लंबा करने की, क्योंकि तुम्हें प्रोसेस से करोगे तो समझने में दिक्कत आएगी, तो टीचर बोलेगा इतना लंबा क्या समझाया, ये तो टाइम वेस्ट है, सीधा फॉर्मूला ले लो ना, a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2 हो गया. तो f ये है, f की वैल्यू 100, m की वैल्यू 5, और बस सीधे आंसर बता देंगे. तो बहुत सारे ऐसे होंगे, मगर याद रखो वो फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं, वो तो रिजल्ट है, वो रिजल्ट में आंसर रख रहे हो. ठीक है, और वो इसी केस में वैलिड होगा. अगर फोर्स एंगल पे लग जाए तब वो वैलिड ही नहीं होगा, एंगल पे करोगे तो सब खेल खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो अक्सर नीट वीट में इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो काम चल जाता है, मगर अगर किसी ने एंगल पे दे दिया फोर्स तो वो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होगा. जैसे 100 ऐसे लग रहा है, 100 अगर 37 डिग्री के एंगल पे लग जाए तो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है. तो मगर ये नीट में काफी चलती है इस तरह की चीजें, तो ध्यान रखना इस तरह से. तो सिस्टमेटिकली जैसे प्री सॉल्यूशन मेरे पास एक मिल गया, देखते हैं कैसे किया ऋषभ ने. ये कौन सा किया, पुराना है कि नहीं, तो पुराना वाला है. लेट मी चेक, ये कौन सा. हाँ, ये काफी हद तक सिस्टम से किया है. हाँ सही है, 100 इज इक्वल टू 5 प्लस है, फिलहाल तो सही लग रहा है. बट इसमें मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहता हूँ. सही है फिलहाल, मगर फिर भी देखो, यहां पे देखो ध्यान से,
ये भी एक रटी हुई चीज है कि ये भी एक रटी हुई चीज है कि 10 प्लस 5 को एक साथ सिस्टम ले लेंगे और एसेशन निकाल लेंगे। इसका ओरली आंसर क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और खासकर जो नीट वाले हैं वो ऐसे ही बेवकूफ बन जाएंगे, एक लाइन में ओरली सॉल्व कर दिया। मगर ये क्वेश्चन ऐसा, फिजिक्स में क्वेश्चन ओरल नहीं होते, इसमें भी हम अपने पूरे सिस्टम प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, इसको बहुत ढंग से करेंगे, ठीक है ढंग से करते हैं एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि फिर अंदर सवाल भी सिर्फ एसेशन थ्योरम थोड़ी ना पूछा, आर भी पूछ सकता है, फिर आर में क्या करोगे, वो दिक्कत है। तो फिलहाल इसमें कोई रिजल्ट नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई रट्टा नहीं, ध्यान से देखो। ऋषभ ने जैसा किया है कि मैंने बताया वर्टिकल फोर्स इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखाओगे तो एन इज इक्वल टू वेट के बैलेंस हो जाएगा। तो ये काम तुम कर सकते हो, ये जेन्युइन काम है कि वर्टिकल फोर्स ना दिखाओ। तो अगर मैं 5 kg का फ्री बॉडी लूंगा, अगर मैं 5 kg पे लूं और उसके वर्टिकल फोर्स ना दिखाऊं, तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है आगे की तरफ, इस तरफ, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करूं तो सिर्फ आर करके एक हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्क कर रहा है। और एक और कंस्ट्रेंट है इसमें, ये 2 ब्लॉक्स कंस्ट्रेंट है, यानी इस ब्लॉक का 10 kg का और 5 kg का एसोलेशन सेम होगा, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब इसको शॉर्ट में लिखता हूं, ये टेक्निकल टर्म है कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन, सी फॉर कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट की स्पेलिंग होती है कंस्ट्रेंट, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब हिंदी मतलब होता है बाध्य, कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो अंग्रेजी एक बार मैंने लिख दी, बस हटा दी। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होगा, शॉर्ट में वर्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन ये होगा कि इसमें 5 kg एंड 10 kg का 5 and 10 kg have same acceleration. मैं तुम्हें इस तरह से सिखा रहा हूं कि तुमसे कोई भी सवाल लग जाए, ठीक है। तुम अगर डायरेक्टली किसी से सीखोगे तो वो सिर्फ इसी सवाल में लगेगा, और इस सवाल में भी पूरी तरह से नहीं लगेगा। अगर एंगल पे फोर्स लगाए तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला गया काम से, ठीक है। तो कुछ भी रटने की कोशिश ना करो, रट्टा फिर जरा सा भी फिजिक्स वाला समझदार मास्टर चेंज कर देगा तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं फिर, तो एकदम बेसिक से करो। तो पहली चीज में जो ये बार बार आएंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन, तो पहले तुम्हें ये देखना है कि 5 और 10 के का एक्सेलरेशन सेम होगा। और ये कैसे पता लगेगा, ये फीलिंग से, जब इधर धक्का दोगे फील करो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे और जो चीजें एक साथ चल रही हैं उनके एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो क्योंकि 5 और 10 kg एक साथ चल रहे हैं इसलिए उनके एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो इसमें चाहो तो तुम एक काम कर सकते हो कि यहां पर थोड़ा, क्योंकि वर्टिकल फ्री बॉडी दिखाओ तो दिखा सकते हो, इस पे N1 ऊपर की तरफ होगा, 5G नीचे की तरफ होगा, N1 5G, तो वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, उससे थोड़ी आसानी तुम्हें हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम करना चाहो तो कर सकते हो आसान करने के लिए। फिर मैं 10 kg का फ्री बॉडी बनाता हूं, है ना, 10 kg का। तो ये मैंने ऑरेंज वाला दिख रहा है, ऑरेंज कलर मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने कलर इसीलिए इस्तेमाल किया। ये मैंने किसका फ्री बॉडी बनाया, 5 kg का, एकदम सिस्टम से देखो, ठीक है। फिर मैंने ऑरेंज येलो कलर लिया और 10 kg का फ्री बॉडी बनाया, 10 kg का फ्री बॉडी बनाया, ठीक है। ये 10 kg का थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा चाहो तो बड़ा दिखा दो इसको, 10 kg का फ्री बॉडी बनाया, ठीक है, क्योंकि ये हो गया। इस पर 10 kg पे ध्यान देना, बेसिक्स ध्यान देना, इस पर आर बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना, इस 10 kg पर आर बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो बहुत ध्यान से, 10 kg पे आर बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें, तो इस पे आर बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसका, इस ऑरेंज वाले का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है, और इसका, इस पे आर बैकवर्ड डायरेक्शन में है और 100 फॉरवर्ड है, 100 न्यूटन फॉरवर्ड। अभी मैं सवाल को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा, इससे मैं बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैंने वर्टिकल फोर्सेस नहीं दिखाए हैं, वर्टिकल फोर्सेस नहीं दिखाए हैं, तो दिखाओगे, दिखा सकते हो। यहां भी अगर N2 लगाओगे, N2 वेट को बैलेंस करेगा, तो N2 N1 पूछा नहीं है, तो वर्टिकल फोर्सेस नहीं दिखाए, तो ये काम कर सकते हो। तो ये मतलब ये ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर कर सकते हो, क्योंकि कि अपवर्ड डाउनवर्ड बैलेंस है, तो अपने अनकॉन्शियस में रखो कि वर्टिकल हमने नहीं दिखाए हैं, है मगर ऐसा नहीं है, वर्टिकल होंगे। यहां पर ये सरफेस इसको अपवर्ड प्रेस करेगी,
ये सरफेस इसको अपवर्ड प्रेस करेगी, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो N1 5G के बराबर होगा। ये सरफेस इसको अपवर्ड प्रेस करेगी, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वो तो ओरली निकाल सकते हो, तो फिलहाल सिर्फ वैसे भी लॉजिकली क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, तो सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं ये क्वेश्चन के हिसाब से, मगर हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। अगर फोर्स एंगल पे लग गया तो वर्टिकल भी फिर तुम्हें दिखाना पड़ेगा। इसमें जरा सा मैं चेंज करके बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, तो फिलहाल ये सिचुएशन आसान है। चलो पल्लवी शर्मा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे पता चली? ये फीलिंग से, इसका आंसर फीलिंग से, ठीक है, फीलिंग से। अब एक घर पे लो, है ना, इसमें एक सेकंड, ये तुम्हें, ये इसके लिए कोई रूल नहीं होता, है ना, इसका एक मिनट दिखाता हूं, ठीक है। इसके लिए क्या करो, एक इस तरह से सरफेस ले लो, और मेरे पास लेट मी चेक क्या होगा, देखता हूँ क्या क्या चार्जर है। एक चार्जर इधर है, एक ऐसे चार्जर रखा, आई होप कि दिख रहा होगा, और मैं क्या ले लूँ, एक मिनट रुक जाओ, इंतजाम करता हूँ। ये मेरा लिखने वाला पैड है, इसको एक्सपेरिमेंट में काम ला रहा हूँ। ये दो ब्लॉक है, आई थिंक दिख रहे होंगे, एक चार्जर वाला ब्लॉक है, ठीक है, आई होप कैमरे में दिख रहा होगा। इधर से धक्का दो, घर पे खेलो इस तरह से, जैसे खेलते नहीं, एक बड़ा ब्लॉक लो, एक छोटा ब्लॉक लो, और ऐसे धक्का दो। बचपन में खेला नहीं है इसलिए फिजिक्स नहीं आती है, तुम लोग बस किताब कॉपी लेके पढ़ने लगते हो, खेलना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, खेलना पड़ता है। और मेरे पास एक बढ़िया ब्लॉक ले सकता हूँ, मैं एक दूसरा चार्जर ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक पेन उधर गिर गया, दूसरा चार्जर लेता हूँ। तो अब और अच्छा दिखेगा, तो अब ध्यान से देखो, एक ये बड़ा ब्लॉक है और उसके आगे छोटा ब्लॉक है, साइड व्यू दिखाता हूँ, दो चार्जर है, ठीक है। अब क्या करो, ये फोर्स तुम लगा रहे हो, ध्यान से इधर से फोर्स लगाओ, ये यही चीज है, कोई इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ जाएगी दोनों साथ साथ, अगर ऐसे फिर से देखो, अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, और जो चीजें साथ साथ मूव करेंगे उनका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। बात समझ में आई, जो चीजें साथ साथ मूव कर रही हैं उनका एक्सेलरेशन सेम ही होगा, यानी वो एक सेकंड में बराबर डिस्टेंस ही, तो एक ही ब्लॉक की तरह होगा, है ना। हाँ, अगर एक को ऐसे खींचोगे एक को ऐसे खींचोगे तब उनका डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा, मगर सिर्फ एक को धक्का दोगे तो, समझ आई बात। अच्छा, एक बात बच्चों को और लगता है इसमें, आगे बता दूं, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक बहुत एक एक कई बच्चे ये समझते हैं, मान लो जैसे ये 10 किलो बड़ा वाला 10 किलो का है, उल्टा दिख रहा होगा, 10 किलो का है, ऐसे ऐसे दिख रहा होगा ना, ये वाला जो है ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा जिसका ये है, ये वाला 10 किलो का है, ये 5 किलो का है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि फोर्स 100 न्यूटन का, तो अभी मैं आगे देखो, जो ऑरेंज वाला है उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, 100 न्यूटन इस पे लगेगा। कुछ बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं, जब इस पे फोर्स नहीं लग रहा तो ये चलेगा कैसे, तो 100 न्यूटन तो इसी पे लग रहा है, 100 न्यूटन इस पे नहीं लग रहा, आगे वाले पे नहीं लग रहा, 100 न्यूटन पीछे वाले पे लग रहा है, उस 100 न्यूटन की वजह से 10 किलो वाला आगे वाले पे, यानी पीछे वाला आगे वाले पे फोर्स लगा रहा है। तो जो 100 न्यूटन का फोर्स है वो 5 kg पे नहीं लग रहा है, वो लग रहा है 10 kg पे, और क्योंकि फिर 10 इसको पीछे वाले को तुम धक्का दे रहे हो तो वो आगे वाले को धक्का देगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो इस तरह घर में प्रैक्टिकल करो, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें फीलिंग की समझ में आएगी, फिजिक्स में ज्यादातर चीजों के मैथमेटिकल आंसर नहीं है, तो फिजिक्स में अगर जिसकी फीलिंग डेवलप नहीं हुई वो फिर ऐसे घर में छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, समझ में आ जाएगा। और मैंने जो चीज जहां से ली है वो वहां पर रख दूं, ठीक है, चलो चार्जर की तो कोई जरूरत नहीं फिलहाल अभी, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो पता चलेगा, तो मैं फिर गायब होता हूँ, तो ये आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। 100 न्यूटन 5 kg पे नहीं लग रहा है, 100 न्यूटन लगाओगे तब 10 kg 5 kg को पुश करेगा, तुम डायरेक्टली 5 kg को पुश नहीं कर रहे हो, तो 5 kg वाले पे आर ही लग रहा है, ठीक है, 10 kg वाले पे आर पीछे की तरफ लग रहा है,
और 100 न्यूटन ये देखने पे, क्योंकि 5 केजी पे अगर आर आगे लगेगा तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि 10 किलो 5 केजी को आगे की तरफ पुश करेगा तो 5 केजी 10 केजी को बैकवर्ड पुश करेगा, ठीक है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम से, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी तक मैंने सवाल सॉल्व नहीं किया है तो वो नीट के रट्टू जो रट्टू मास्टर या बच्चों के चक्कर में ना पड़ना, जो इसका आंसर एक लाइन में बता देंगे कि 100/15 कर लो, आ गया आंसर, खुश हो गए, आंसर ऑप्शन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, आंसर आ गया, मैच किया, तो वो रिजल्ट से आंसर से वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। अभी मैं अच्छा खासा टाइम लूंगा इसमें। अभी एक चीज और बाकी है इसमें, दोनों को एक साथ फ्री बॉडी लेना। एक काम हम और कर सकते हैं, 5 और 10 को एक साथ फ्री बॉडी ले सकते हैं। तो एक मैं अलग से फ्री बॉडी बनाता हूं, इसको व्हाइट कलर से दिखाता हूं, और खाली मैं बोलूंगा कि मैंने दोनों को एक साथ फ्री बॉडी बना दिया, ये दोनों का फ्री बॉडी एक साथ है। तो तुम्हें पता होगा अगर मैं दोनों को एक साथ लेता हूं तो आर के फोर्स का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को एक साथ लेता हूं तो इस ये फ्री बॉडी किसका है, 5 kg + 10 kg, ये जो फ्री बॉडी है ये किसका है, 5 kg का 5 + 10 kg का है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगर मैंने 5 + 10 kg का फ्री बॉडी लिया तो आर तो लगेगा नहीं, तो इस पर क्या फोर्स लगेगा, 100 फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो आर का कोई मतलब नहीं है, फिर सिर्फ 100 फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ओके। और ऑब्वियसली कंबाइंड का भी एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा भाई, जो इसका होगा 5 का होगा 10 का होगा वही 10+5 का होगा, क्योंकि सब तो साथ ही में मूव कर रहे हैं। तो तुमने जो सवाल सॉल्व किया है वो इस वाले मेथड से, ए एक्सेलरेशन ए बैक, इसका भी है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज कर देता हूं, वर्टिकल तो सब इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल अगर इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे तो वैसे यहां पे N1 N2 अलग अलग होगा, तो वर्टिकल फोर्स की अगर हम बात ना करें तो यहां पर ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ लेना है, तो 100 एक ही फोर्स है तो पॉजिटिव होगा। तो क्या करते, तुमने आंसर कैसे निकाला, 100 = mass × acceleration, नेट फोर्स 100 × acceleration, मास कितना है 15 और एक्सेलरेशन निकल गया, तो यहां से भी वो आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 100/15, आंसर कोई बड़ी चीज नहीं है, 15 m/s². मगर ये जरूरी नहीं कि मैं दोनों को एक साथ लूं, ठीक है, दोनों को एक साथ लूं ये बिल्कुल जरूरी नहीं, अलग अलग करके भी आना चाहिए। मैं तुम्हें फिजिक्स सिखा रहा हूं, कुछ भी रटा नहीं रहा, अगर मेरा मन नहीं है, चलो मेरा एक साथ लेने का मन नहीं है, मैं तो दोनों अलग अलग ब्लॉक से करना है, तो वो भी आंसर आना चाहिए, तो उसको भी क्रॉस चेक करता, इसको थोड़ा छोटा करता हूं सरफेस को, ताकि जगह बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो देखो क्योंकि एक्सेलरेशन बैकवर्ड है तो इसको ये पॉजिटिव ही लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कौन सा ब्लॉक है, 5 केजी वाला, तो देखना यहां से आएगा, लेट मी चेंज कलर लिटिल बिट इसके लिए ऑरेंज, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, 5A, क्या लगाया हमने, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, R इज इक्वल टू 5A आएगा। यहां से देखो येलो वाले के लिए, देखो येलो वाले के लिए क्या आएगा, 100 - R इज इक्वल टू कितना आएगा, 10A। बेशक ये थोड़ा सा हल्का सा दो स्टेप का है, मगर इससे भी आंसर वही आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं फिजिक्स में, अगर तुम गलत नहीं करोगे तो गलत आंसर आएगा ही नहीं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, R की वैल्यू 5A के बराबर है, ठीक है, और 100 - R जो है वो 10A के बराबर है, 100 - R 10A के बराबर है, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, R की वैल्यू 5A यहां पे पुट कर लूं, तो दोनों इक्वेशन से R की जगह 5A पुट कर लूं, तो 100 - R की जगह मैंने पुट किया है कितना, 5A, 5A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10A, 10A, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 100 = 15, तो फिर वही आंसर आ जाएगा। यानी कैसे भी निकालोगे A की वैल्यू तो सेम ही आएगी, ठीक है, फिर अगर दोनों को एक साथ लेते हो तो R की वैल्यू तो नहीं आएगी ना, क्योंकि इस वाले में तो R है ही नहीं, तो हमें R की वैल्यू भी निकालनी है, तो हमें R की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम इससे निकालेंगे या इससे निकालेंगे, किसी से भी निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो R की वैल्यू अगर मैं 5 केजी वाले से निकालता हूं, A की वैल्यू कितनी, 100/15, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके अगर लिखना हो तो लिख लो,
तो कितना आएगा, 5 3 15 सॉरी 5 3 15 और 20/3 जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है उस फॉर्म में कर लो, और क्या पॉइंट की जरूरत नहीं। कभी भी फिजिक्स में पॉइंट में मत किया करो, पॉइंट में दिक्कत होती है, सिंपलेस्ट फ्रिक्शन के फॉर्म में कर लो, है ना, 20/3 बस, 20/3 इज ओके। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आर इज इक्वल टू है ना 5 into A, हाँ तो सेम आएगी वैल्यू, सेम आएगी, इससे भी निकालोगे तब भी आर की वैल्यू वही आएगी, दोनों से निकाल के देखो आर की वैल्यू सेम आनी चाहिए, सेम ही होगी आर की वैल्यू। तुम ऑरेंज वाले, तो मैं तुम्हें कई सारे मेथड बता रहा हूं, इसमें ऑरेंज वाले से भी आर की वैल्यू वही आएगी, ऑरेंज वाले से क्या आएगी 5 into A की वैल्यू है 20/3, A की वैल्यू है 20/3, तो आर की वैल्यू आएगी 100/3 न्यूटन, ठीक है। अब मेरा मन नहीं है इससे सॉल्व करने का, मुझे उससे मन है सॉल्व करने का, तो वो भी ले लो, है ना, आर की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो येलो वाली इक्वेशन से मेरा मन है, तो आई विल पुट इट 100 - R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10A, एसोलेशन की वैल्यू कितनी है 20/3, इससे भी देख लो, तो इससे इधर रीअरेंज करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, ठीक है, माइनस एकदम अलग प्रोसीजर हो गया 200/3, ऑब्वियसली एलसीएम लूंगा मैं तो 300 - 100 हो जाएगा, आर की वैल्यू फिर से वही आएगी, तो दोनों से आर की वैल्यू सेम आ रही है 100/3 न्यूटन। तो ये पूरा प्रोसीजर हुआ, ए की वैल्यू मैं कैसे भी निकाल सकता हूं, ठीक है, डायरेक्ट जो करते हो वो एक रिजल्ट है, रिजल्ट में वैल्यू पुट करते हो, तो उन नक्कालों से सावधान रहना, वो गलत चीज है, एकदम गलत चीज है, ठीक है, जो भी तुम्हें डायरेक्ट कहता है इस फॉर्मूले को लो इसमें वैल्यू पुट करो 2 मिनट में आंसर आ गया, उन लोगों से बच के रहना, वो खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि जरा सा कोई समझदार आदमी चेंज कर देगा सवाल तो फिर नहीं लगेगा वो रिजल्ट। चलो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, चलो अच्छा। तो ये मैंने 2 ब्लॉक ले लिया और एसोलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लगा दिया, एसोलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है। अच्छा एक सवाल इसमें प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस के लिए देता हूँ थोड़ा इसमें हल्का सा प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे होमवर्क में सेंड करोगे थोड़ा, मैं प्रैक्टिस के लिए अच्छा सवाल बनाता हूँ ना, बढ़िया प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस है ना, होम असाइनमेंट लिख देता हूँ, होम असाइनमेंट एक सवाल ही सफिशियंट है। और अभी जल्दी ही जैसे प्रोजेक्टाइल का आखिरी DPP डिस्कशन है, कल सुबह की क्लास में प्रोजेक्टाइल का लास्ट DPP का डिस्कशन है, उस DPP के डिस्कशन के बाद फिर कल उसका डिस्कशन होगा, परसों टेस्ट होगा, फिर से परसों जो टेस्ट होगा वो प्रोजेक्टाइल तक होगा, वही 10 क्वेश्चन का वैसे ही टेस्ट होगा, है ना, परसों जो टेस्ट होगा शुरू से लेकर प्रोजेक्टाइल तक का टेस्ट होगा फिर से, है ना। हम लोग टेस्ट जो है प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं, तो मार्क्स वार्क्स तुम खुद देख लो, जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो ग्रुप में डाल दो, अगर मार्क्स बेकार है तो मत डालो, क्या दिक्कत है, ठीक है, अच्छे हैं तो शो ऑफ करो कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो एज यू विश तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मेरा मोटिव जो है मार्क्स से डिमोरलाइज करना नहीं है, मेरा टेस्ट खाली प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, खाली प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि ये सब टेस्ट मैटर तो करते नहीं है, मैटर तो आखिरी वाला टेस्ट करेगा, कोई टेस्ट मैटर नहीं करता है ना, बोर्ड में भी बोर्ड के प्रिपरेशन एग्जाम थोड़े ना मैटर करते हैं, लास्ट एग्जाम मैटर करता है उसके मार्क्स से। तो अक्सर ऐसा होता है, ये शायद पढ़ाई में भी होता है और घोड़े की रेस में भी होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जो घोड़ा पहले पीछे मतलब शुरू में पीछे रहता है वो रेस खत्म होते होते आगे निकल जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी हॉर्स है, जो भी घोड़ा है, जब रेस शुरू होती है वो हमेशा जो जीतने वाला घोड़ा है वो शुरू में बहुत धीरे दौड़ता है और फिर लास्ट में तेज दौड़ता है, ठीक है, ये मैंने अक्सर देखा है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में जीनियस स्टूडेंट होगा वो धीरे धीरे जो है पता अपना जो है टेम्पर पता नहीं किस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो लूज करके आखिरी तक एकदम बेकार हो जाता है। स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा मीडियोकर होगा, थोड़ा सा वर्क करेगा, रेगुलर वर्क करेगा, आखिरी में वही जीतता है। तो ये रेस के लिए और एग्जाम के लिए बहुत सही है, इसीलिए जो शुरू के एग्जाम है वो सिर्फ तुम्हारे लर्निंग के लिए है, उनमें मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिल्कुल मार्क्स ना आए कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें प्रैक्टिस के लिए करो, ठीक है, लास्ट में। और शुरू में मार्क्स कम भी आते हैं क्योंकि शुरू में जो लर्निंग फेस में धीरे धीरे करेंगे, हमें रिजल्ट से उतना मतलब नहीं है, तो शुरू के मार्क्स से मतलब नहीं, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, इसीलिए मैंने टेस्ट को इतना ज्यादा कर दिया कि टेस्ट के मार्क्स तुम्हें मैटर ही ना करे। तो सुबह या तो मैं DPP डिस्कस करूंगा
या फिर टेस्ट करेंगे बस, है ना, टेस्ट करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल तक के टेस्ट होंगे, उसके बाद जो है मैं प्रोजेक्टाइल की, कल डीपीपी खत्म हो जाएगी तो कल से तो मैं लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मीनवाइल फिलहाल टाइम भी खत्म होने वाला है, तो मीनवाइल एक होमवर्क असाइनमेंट देता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन बना के देता हूँ, घर पे करो, सब कुछ कर लेता हूँ इसमें, एंगल पे फोर्स लगा देता हूँ, एक फोर्स लगाता हूँ तुम्हारे लिए, स्पेशल क्वेश्चन बना रहा हूँ, किसी ने पहले नहीं बनाया होगा, नया एकदम खूबसूरत सा क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, इस पे फोर्स लगा देता हूँ, इस पे जिस पे लगाया उसी पे देखना, इस पे लगाता हूँ 100 न्यूटन का, अभी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता क्या होगा, मास वही ले लो 5 kg 10 kg, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये लगाता हूँ मैं 37 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, 37 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इधर भी एक फोर्स लगा देता हूँ, इधर थोड़ा कम लगाता हूँ, 50 न्यूटन का लगाता हूँ, 50 न्यूटन का, इधर से हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री का एंगल देता हूँ, ध्यान रखना एक एक स्टेप सोच समझ के करना, ये 37 नहीं है 53 डिग्री है, ठीक है। मास वही है, मास लिख लो 5 kg 10 kg, ठीक है। अब की मैं पूरा इसमें खेल करूंगा, अब तो तुम्हें वर्टिकल भी लेना पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल अब फिक्स नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से इस नॉर्मल रिएक्शन को N1 लिखता हूं, एक सवाल में 5 सवाल बन जाएंगे, तो ये एक सवाल नहीं है, 5 बन गए, N1 ऐसे नीचे की तरफ है, ये N2 है, ठीक है। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेगा 10-15 मिनट आराम से, 15-20 मिनट, ठीक है। N2 तो खूब जी भर के बना देता हूं जो जो करना है N2। और वर्टिकल सर्फेस का रिएक्शन R ले लो, है ना, ये इसको इधर प्रेस करेगा, अब पता नहीं कौन किधर है, मगर ये इसको, इस पर फोर्स पीछे की तरफ लगेगा R ऑब्वियसली, और इस पे आगे की तरफ लगेगा हमेशा, ठीक है। इस ब्लॉक पर देखना, इस ब्लॉक पे आगे की तरफ लगेगा हमेशा, ये ऐसा हमेशा होगा, ब्लॉक आगे जाए पीछे जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ब्लॉक पीछे भी जाएगा तब भी इस पे R इधर ही लगेगा, ये ऑरेंज वाला ब्लॉक आगे जाएगा तब भी उस पे R आगे लगेगा, और ऑरेंज वाला ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा तब भी उस पे R आगे की तरफ ही लगेगा, ठीक है। तो ये आर वार मैंने दिखा दिया, N1 N2 दिखा दिए, बस सफिशिएंट टफ कर दिया। तो निकालना पहला सवाल, एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है, पहला सवाल एक्सेलरेशन निकालना, है ना, दूसरा सवाल N1 निकालना, ठीक है, स्पेसिफाई द मास ऑफ द ब्लॉक, वही है ऑरेंज वाले का, वही 5 kg 10 kg, मास तो पहले ही बोल दिया, वही ब्लॉक है, ब्लॉक ही मैंने चेंज नहीं किया तो मास कहां से चेंज हो जाएंगे, पुराने वाले ब्लॉक ही तो रखे हैं यहां पे, 5 kg 10 kg, ठीक है, वही पुराने ब्लॉक, उसको उसको ऑरेंज वाले का 5 kg, इसका 5 kg, इसका 10 kg, ठीक है। तो आराम से कम 1 घंटा करना, है ना, मतलब इसका जो टाइम है कम, मतलब आराम से टाइम लगे, 1 घंटा लगे तब भी चलेगा, मगर ढंग से करना, एकदम फ्री बॉडी बना के प्रॉपर तरीके से, आंसर वांसर की चिंता मत करना इसमें, ठीक है। तो एक तो ये है, तो आई होप इसको प्रैक्टिस करोगे, बस इतना काफ़ी है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, मिलते हैं सुबह की क्लास में फिर से, सुबह का प्रोजेक्टाइल की लास्ट डीपीपी है, तो सुबह की क्लास एकदम सिस्टमेटिक डीपीपी टेस्ट होता रहेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे पीछे के टॉपिक पे। आई होप कि सारे बच्चों को पीछे के टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कमांड हो रहे हैं इस सिस्टम से, टेस्ट डीपीपी से, ऐसे ही हम आगे के टॉपिक भी करेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद तुम्हें मिल जाएगा लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी, कल के डिस्कशन के बाद, कल के बाद दूंगा। तो आज का टाइम है, सब लोग जेई वाले नीट वाले सब लोग उस डीपीपी को करेंगे, ठीक ठाक सही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय। आरबी तो फाइंड, हाँ आरबी फाइंड करना है, आरबी फाइंड, आर तो भूल ही गया, 4 क्वेश्चन है, ए फाइंड करना है, N1 फाइंड करना है, 4th क्वेश्चन आरबी फाइंड करना है, और तो कुछ नहीं रह गया, आरबी फाइंड करना है, 4 क्वेश्चन है, तो ये 4 क्वेश्चन है, कल डिस्कस करेंगे अगले।